बच्चों, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि मोहन जोदड़ो नगर नियोजन की अनूठी मिसाल थी। अनूठी माने अद्भुत मिसाल है। वैसा नगर नियोजन क्या आज भी देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप है इस चबूतरे पे खड़े होकर के देखेंगे तो जिस तरह की सड़क और गलियां यहाँ पर पाई जाती हैं, वो क्या है, वैसा नियोजन क्या है इतने सालों बाद विकास हो जाने के बाद भी संभव नहीं है। ये चाहे भले ही खंडहरों में बदल चुकी हों, परंतु ये बताने में सक्षम है कि इन्होंने किस तरह से पूरे शहर का नियोजन किया था। यहाँ तक ज़्यादातर सड़क और गलियाँ क्या हैं, यहाँ पर आड़ी हैं या तिरछी, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर कमोवेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी, ठीक है। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन-सहन को नीरस बनाता है। शहरों के नियोजन के नाम पर हमें अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है, क्योंकि चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं। आधुनिक समय में इन्हें नियोजन के प्रतिमान ठहराए गए हैं, लेकिन शहर के खुद के विकसने का कितना अवकाश छोड़ते हैं, इसमें बहुत शंका प्रकट की जाती है, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर सड़कें क्या है, सीधी हैं या आड़ी, ठीक है, आड़ी माने तिरछी। तो वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं, और आधुनिक समय में भी ये श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ सड़क बनाने का प्लान माना जाता है, जो कि हमारे हैं पूर्वजों ने हजारों साल पहले इस तरह से नगर बसाया था, ठीक है। तो आधुनिक समय में भी इसी को ध्यान में रख करके कुछ शहर बसाए गए हैं, उसमें है चंडीगढ़ और इस्लामाबाद का नाम लिया जाता है। वहाँ पर सेक्टर मार्का कॉलोनियाँ हैं, ठीक है, परंतु लेखक का कहना है कि वहाँ पर नियोजन है, परंतु उसमें नीरसता है, उसमें कलात्मकता नहीं है, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता में जो कि बताया गया था उसमें कलात्मकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीरसता है क्योंकि शहर खुद को विकसने का अवसर नहीं मिलता है, ठीक है। यानी जो है शहर बसा दिया गया है, उसके बाद आगे अगर उसकी जनसंख्या बढ़ती है तो किस तरह से उसे आगे बसाया जाएगा, इसका क्या है, कोई भी है उपाय है उसमें नहीं है कि आगे ये कैसे बसेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों?
फिर से मैं बता रही हूँ कि जो ज़्यादातर चीज़ें टूट फूट गई हैं, ठीक है, परंतु टूटी फूटी गलियाँ और सड़कों पर अगर हम स्तूप वाले चबूतरे के ऊपर खड़े होकर के देखें तो उनका गलियों का और सड़कों का विस्तार स्पष्ट दिखाई देता है। तो ज़्यादातर सड़कें सीधी या आड़ी हैं, ठीक है, आड़ी मतलब उसे काटती हुई हैं। तो वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कहते हैं और इसे ग्रेड प्लान कहा जाता है, ठीक है, और वर्तमान समय में भी कुछ शहरों में इसे अपनाया गया है। इसमें इस्लामाबाद और चंडीगढ़ का नाम दिया जा सकता है, ठीक है, परंतु लेखक का कहना है कि इन्हें बसाया तो उसी तरह से गया है परंतु इन सेक्टर मार्का कॉलोनियों में के नियोजन में बहुत नीरसता है, ठीक है। नीरसता मीन्स होता है कि इसमें कलात्मकता का अभाव है, ठीक है, और यहाँ पर आगे ये शहर कैसे विकसित होंगे, ठीक है, इसका कोई भी उदाहरण नहीं दिया गया है, इसकी कोई भी योजना प्रस्तुत नहीं की गई है, ठीक है, समझ में आया। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उनमें नगर नियोजन और वास्तुकला कि आखिर कितनी भूमिका थी, ठीक है। तो जो मोहनजोदड़ो के निवासी थे सभी है साक्षर थे, पढ़े लिखे थे, ठीक है, सुसंस्कृत, और उन्होंने क्या है पढ़े लिखे समाज की स्थापना की थी, ठीक है। तो लेखक प्रश्न करता है क्या उसमें उनके नगर नियोजन कि नगर को अच्छे से बताना और वास्तुकला, ठीक है, कि इन चीज़ों को किस तरह से कलात्मक ढंग से उनकी है उन्हें बनाना, उसकी क्या भूमिका थी, ठीक है। यानी कि जो मोहनजोदड़ो के निवासी थे वो सब साक्षर थे, पढ़े लिखे थे, ठीक है, और उन्होंने है सुसंस्कृत पढ़े लिखे समाज की स्थापना की थी, और उसमें नगर को बसाने और वास्तुकला, ठीक है, वस्तुओं को कैसे कलात्मक रूप से बनाने की कितनी भूमिका थी, लेखक ने ये प्रश्न किया है। क्या इन्हीं की भूमिका के आधार पर पढ़ाई लिखाई और साक्षरता के आधार पर इन्होंने है इसका अध्ययन किया और इतने अच्छे से हर चीज़ का निर्माण किया। स्तूप के चबूतरे वाले के पीछे गढ़ और ठीक उसके सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। इसके पीछे 3 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है, पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ। देखते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडहर खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में तो टूटे फूटे घरों का जमघट है, ठीक है, तो गढ़ स्तूप वाले चबूतरे के पीछे क्या है गढ़, और उसके ठीक सामने क्या है उच्च वर्ग की बस्ती है। यानी कि यहाँ पर क्या है
कुछ पैसे वाले और कुछ सामान्य वर्ग वाले और कुछ क्या है निम्न वर्ग वाले। लेखक का मानना है कि घरों के हिसाब से इसे विभाजित किया गया है, जो खंडहर मिले हैं उसके हिसाब से इसे विभाजित किया गया है। ठीक है, तो गढ़ के सामने उच्च वर्ग की बस्ती है, ठीक है, पूरब में, और उससे करीब 3 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। ठीक है, और इस बस्ती से दक्षिण की ओर के पीछे अगर घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडहर ही खंडहर दिखाई देंगे, और दक्षिण में इतने अधिक टूटे फूटे घर हैं। तो माना जाता है यह कामगारों की बस्ती रही होगी, जो काम करने वाले निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी बस्ती रही होगी। ठीक है, पक्की और आकार में समरूप, पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी की सभ्यता के विशिष्ट पहचान मानी ही गई हैं। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। पानी निकासी की ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था इससे पहले इतिहास में नहीं मिलता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, ईंटों का आविष्कार कर लिया गया था। ईंटों का आविष्कार आज से इतने साल पहले, हजारों साल पहले हो गया था। पक्की यानी कि ईंटों को है बना करके उन्हें, जैसे वर्तमान समय में भट्टों में पकाया जाता है, ऐसे उनको पकाने का प्रबंध था। और आकार समरूप एक जैसा आकार था। ठीक है, धूसर यानी कि क्या है, धूल के रंग की ईंटों के क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है, विशेष पहचान मानी जाती है। वहाँ पत्थरों का उपयोग कम हुआ है, ज़्यादातर क्या है, हर चीज़ बनाने में क्या, ईंटों का उपयोग हुआ है, यानी पक्की ईंटें और है धूल के आकार की ईंटें, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है, विशेष पहचान मानी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, ढकी हुई नालियों, पानी निकासी का इतना सुव्यवस्थित प्रबंध है कि जो नालियां हैं, हर घर में नालियां बनी हुई हैं, और नालियों को क्या है, पानी निकालने के लिए क्या है, उन्हें ढक दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा सुव्यवस्थित प्रबंध, इतना अच्छा प्रबंध इतिहास में क्या कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है, कर के रूप में हासिल अनाज यहाँ पर लाया जमा किया जाता है। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों की हवादारी देख करके ऐसा कयास लगाया जा गया है कि यहाँ ना नौ नौ चौकियों की तीन कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का, जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। तो यहाँ पर क्या है, महाकुंड मिला है। तो लेखक का कहना है कि महाकुंड के बाद उसने गढ़ की परिक्रमा की, यानी स्तूप के चारों ओर
स्तूप के सामने के हिस्से को गढ़ का नाम दिया गया है, और उसके चारों ओर जब उन्होंने लेखक ने घूमा तो एक तरफ कुंड है और दूसरी तरफ विशाल कोठार। कोठार मीन्स होता है कि जैसे अनाज रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं, उसे वहाँ पर क्या कोठार का रूप दिया जाता है। तो अनुमान लगाया जाता है कि कर के रूप में हासिल अनाज को यहाँ पर जमा किया जाता था, ठीक है, कि जो अनाज क्या है कर के रूप में लोगों से हासिल किया जाता था उसे क्या है यहाँ पर जमा किया जाता था। तो इसका है जो निर्माण किया गया है, ठीक है, और खासकर इसमें जो चौकियाँ बनी हुई हैं और हवा आने जाने का जैसा प्रबंध किया जाता है, तो उसमें देख करके कयास यानी कि यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर नौ नौ चौकियों की तीन पंक्तियाँ रही होंगी, ठीक है, और इसके उत्तर में एक गली है जहाँ से बैलगाड़ी का प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ से बैलगाड़ियाँ आती जाती होंगी और उनके प्रयोग करने के क्या है प्रमाण मिले हैं। ढुलाई के लिए वो बैलगाड़ी उस गली से आती होंगी, आवागमन होता होगा, ठीक है, और इसी तरह का कोठार क्या हड़प्पा में भी पाया जाता है, ठीक है, समझ में आया बच्चों? मैं फिर से बता रही हूँ कि मोहनजोदड़ो नगर नियोजन की अनूठी मिसाल है, ठीक है, अनूठी माने अद्भुत, ऐसा नगर नियोजन वर्तमान समय में भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर आप स्तूप वाले चबूतरे के सामने के ऊपर खड़े हो जाएं, क्योंकि वो बहुत ऊंचा सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ है, तो वहाँ से आपको मोहनजोदड़ो की सड़कों और गलियों का विस्तार स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो ज़्यादातर सड़कें सीधी हैं या आड़ी, ठीक है, तो इसे वास्तुकार क्या कहते हैं ग्रिड प्लान कहते हैं, और जो कि क्या है वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, ठीक है। तो वर्तमान समय में भी इसी को ध्यान में रख कर के इसी शैली से दो शहर बसाए गए, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद। तो इन्हें प्रतिमान कहते हैं, आधुनिक शहरों का प्रतिमान कहते हैं यानी उदाहरण कहते हैं, परंतु लेखक का कहना है ये यहाँ पर जो सेक्टर मार्का कॉलोनियाँ बनाई गई हैं उनमें नीरसता है, उबाऊपन है, ठीक है, उनमें है मोहनजोदड़ो के जैसे कलात्मकता नहीं है, यहाँ पर कलात्मकता नहीं है, ठीक है, जबकि मोहनजोदड़ो में हर चीज़ में कलात्मकता पाई जाती है। और साथ ही साथ ये दोनों शहर जो चंडीगढ़ और इस्लामाबाद है, आगे अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो कैसे इनका विकास होगा इसकी संभावना पर विचार नहीं किया गया है, ठीक है। फिर लेखक का कहना है कि मोहनजोदड़ो में जो गढ़ है, गढ़ के सामने क्या है पूरब में है उच्च वर्ग की बस्ती है, उसके बाद सामने खड़े होकर के घूम जाएं तो वहाँ पर क्या बहुत से टूटे फूटे खंडहर दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये कामगारों की बस्ती रही होगी, ठीक है। तो जब है उच्च वर्ग की बस्ती के 3 किलोमीटर दूर क्या है सिंधु नदी बहती है, ठीक है, लेखक का मानना है कि ईंटों का आविष्कार सिंधु घाटी के निवासियों ने किया था, तो ज़्यादातर उन्होंने पत्थरों के स्थान पर ईंटों का प्रयोग किया है। तो पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें, समरूप माने एक जैसी एक ही आकार प्रकार की क्या है, धूसर माने धूल के आकार की ईंटें क्या है यहाँ की विशेषता है, ठीक है, कि समरूप पक्की ईंटें यानी उन्हें बना करके उनको भट्टे में पकाना,
इसका आविष्कार सिंधु निवासियों ने बहुत पहले ही कर लिया था। तो समरूप ईंटें, ठीक है, और उन पर, और वो धूल के रंग की ईंटें, क्या सिंधु घाटी की विशेषता है। ज़्यादातर निर्माण क्या है, इन्हीं ईंटों से हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित प्रबंध था, और ज़्यादातर नालियाँ क्या है, ढकी हुई थी। ज़्यादातर नालियाँ क्या है, ढकी हुई थी। तो पुरातत्व के विद्वान और इतिहासकार जोर दे करके कहते हैं कि पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित प्रबंध इससे पहले किसी भी इतिहास में नहीं मिलता जैसा कि यहाँ है, ठीक है। तो पहले ही बताया गया कि एक इमारत जो कि क्या है, सही सलामत मिली है, जिसे कि क्या महाकुंड कहा जाता है, ठीक है। तो वही ज़्यादातर इमारतें टूट फूट चुकी हैं, परंतु महाकुंड क्या है, सही सलामत है। तो महाकुंड के बाद लेखक का कहना है कि उन्होंने गढ़ की परिक्रमा की, ठीक है। तो वहाँ पर है एक कोठार मिला, विशाल कोठार मिला। दूसरी तरफ क्या है, एक विशाल कोठार, कोठार मीन्स होता है गोदाम, ठीक है। गांव में भी है, लोग हैं छोटी छोटी चीज़ों में क्या अनाज रखते हैं, तो इसलिए उसे भी कोठार ही बोला जाता है, ठीक है। तो विशाल क्या है, गोदाम मिला है अनाज रखने का। तो माना जाता है कि जो यहाँ के निवासी थे या यहाँ के लोग थे, कर के रूप में जो अनाज जमा करते थे,